दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सद्य राजेश कुमार राठौर जी हैं, जिन्होंने ऐसा काम करके दिखा दिया कि लोग याद करने लगे। वो पथ इन्होंने अपनाया, चलने का काम किया कि उस पथ पे हर कोई नहीं चल सकता। आपने उरई में जो मकान बनवाया, मकान के ऊपर पंचशील का जो झंडा लगवाया, लोग जब उनसे पूछते हैं कि राठौर जी आपने मकान के ऊपर पंचशील का झंडा क्यों लगवाया, तो सर ऐसा जवाब देते हैं कि लोगों को समझ में आ जाता है कि हम लोगों को भी पंचशील झंडा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे बीच में पूरा परिवार है राजेश राठौर जी का। वर्तमान में सर जी अभी आर्मी में हैं, तो मैं आपको सर जी से रूबरू कराता हूँ। तो सर जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल सोशल राही, संपादक राम कुमार राही, आप लोगों का स्वागत करता है, अभिवादन करता है, बहुत बहुत साधुवाद करता है। तो मैं आपको सबसे पहले नवोबुद्धाय जय भीम करता हूँ सर। नवोबुद्धाय जय भीम। सर जी, तो आप बताइएगा कि आपने अपने मकान पे पंचशील का झंडा क्यों लगाया? पंचशील का झंडा मैंने इसलिए लगाया है कि ये महापुरुषों की धरोहर है, जो कि ये सम्राट अशोक का देश था जी, और जो बुद्ध, ये आज जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान नहीं हुआ करता था जी, क्योंकि वो सम्राट अशोक का बुद्धिस्ट, ये पूरा देश अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बुद्धों का देश हुआ करता था। इसलिए हम धीरे धीरे सोच रहे हैं कि जो हमारा जो बुद्धिस्ट विचारधाराओं की लुप्त कैसे हुई है जी, तो हम इस मोहल्ले के अंदर, शायद है कि मेरा ये मकान है कि जो हम पंचशील का झंडा लगा दे, तो मेरे होते हुए एक हमारे मित्र थे पाल साहब, तो उन्होंने देखा कि चलो ये कोई अपने ही बुद्धिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं, तो आए और हमारी मैडम के पास बोले कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं उपलापुर गाँव से हूँ, और हमारे मैडम से बोला पंचशील का झंडा है, बोला हाँ उन्होंने लेकर के दिया है कि एक बुद्ध जीवन बुद्धिस्ट लोगों को आगे प्रचार प्रसार, जैसे कई लोग हैं जो दूसरे किस्म के फ्लैग लगाते हैं उनसे उनका प्रचार बढ़ता है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं एक बुद्धिस्ट विचारधाराओं के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए हमने महापुरुषों की देन है जो बुद्धिस्ट विचारधाराओं से हम चल रहे हैं, इसलिए मैंने पंचशील का झंडा लगाया कि लोगों को पता चले कि हाँ इस देश में बुद्धिस्ट लोग हैं जी। सर जी, मैंने एक और विशेषता देखी है कि आप वर्तमान में अभी आर्मी में हैं, और जिस बटालियन में आप रहते हो, शायद उसके बटालियन के जितने भी जवान हैं वो भी आपको भीम सेना के नाम से जानते हैं, जो अधिकारी हैं वो भी आपको जानते हैं। आपने आर्मी में होते हुए अपने बटालियन में महापुरुषों की विचारधारा को कैसे फैलाने का काम किया? देखो, ऐसा है कि वहाँ पर हर प्रदेश के लोग हैं, हर समाज के, हर जात के, तो हम मैंने क्या है कि एक संगठन 2018 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2018 को मैंने संगठन लॉन्च किया था जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, तो उस क्योंकि वो विचारधारा महापुरुष की सेना के अंदर एक ही एक सामाजिक संगठन है कि लोग आज भी इतने सारे लोग हैं सेना के, तो मेरे को बोलते हैं कि भीम सेना के नाम से, मेरे को राठौर बहुत कम ही बोलते हैं भीम सेना अध्यक्ष के नाम से, जबकि भीम सेना अध्यक्ष कोई दूसरा ही है जी, हाँ भीम सेना अध्यक्ष दूसरा है, तो उनको सुबह जब लोग बोलते हैं कि सर जय भीम साहब, तो बड़ा एक खुशी होती है कि अभिवादन जो हमारे को लोग देते हैं, तो बड़ा खुशी होती है कि सारे लोगों के साथ मिल करके, जो वहाँ भी एक परिवार है, जैसे यहाँ पर हमारा जो परिवार है वहाँ भी एक हमारा घर परिवार है, तो हमारे से वहाँ बहुत सारे लोग हैं,
जो हमारे को जो अभिवादन करते हैं जय भीम नवोदय साहब, तो बड़ा खुशी होती है। तो हमारे जो सीनियर अफसर हैं वो भी मेरे को बोलते हैं कि अरे भीमसेना क्या चल रहा है, तो मेरे का नाम ही भीमसेना हो गया संगठन। तो सर जी मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा आपसे, किसी ने कहा है कि अनाज वहाँ होता नहीं जहाँ पानी का प्रबंध नहीं, बोहरे वहाँ जाते नहीं जिस फूल में सुगंध नहीं, निभा सकते हैं ऊपर का व्यवहार सब पर दिल वहाँ खुलता नहीं जहाँ आत्मीय संबंध नहीं। सर जी आत्मा के संबंध जहाँ जुड़ जाते हैं तहाँ एक संगठन नहीं कितने भी संगठन हो सब मिलकर के काम करते रहते हैं। आप हमारे बीच में आए, पूरा परिवार बैठ करके सब लोगों से चर्चा हुई, इसके लिए आप लोगों को राम कुमार राही बहुत बहुत साधुवाद देता है, साथ में नवोदय जय भीम करता है सर। नवोदय जय भीम। ठीक सर, पंखा चालू कर दे, बटन दबा दे।